नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रताप और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पियानो हारमोनियम प्रताप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारी बड़ी पुरानी और बड़ी फेमस आरती है, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। आज इस आरती को हम नोटेशन के साथ कंप्लीट आरती को मैं बजाना सिखाऊंगा। दोस्तों, मैंने अपने YouTube चैनल में और भी बहुत सारी आरतियाँ सिखाई हुई हैं, जिनकी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर सीख सकते हैं। दोस्तों, जो लोग YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आइए दोस्तों, और देर न लगाते हुए हम वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इस आरती की स्केल की, यानी इस आरती का कौन सा सा मानकर हम उस आरती को बजाएंगे। दोस्तों, हमने इस आरती की जो स्केल रखी है वो रखा है तीसरा काला, यानी एफ शार्प मेजर। और इसमें जो स्वर यूज होंगे दोस्तों, सारे के सारे स्वर शुद्ध यूज होंगे, कोई भी कोमल या तीव्र स्वर इसमें आरती में यूज नहीं होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी की यूज होंगी। सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी और सा। लेकिन जो ऊपर वाली नी और सा है, ये उपयोग में नहीं आएंगे, केवल जो हमारा धा है यहाँ तक आएंगे, बाकी जो हमारी नी और धा है वो सा के जो नीचे वाले हैं वो यूज होंगे। दोस्तों, सबसे पहले सीखते हैं हम इस आरती का स्थाई, और स्थाई में सबसे पहली लाइन आती है ओम जय जगदीश हरे। तो इस लाइन को पहले हम बजाते हैं, फिर हम इसे सीखेंगे। देखिए, बहुत ही जी है। सबसे पहला शब्द है ओम, ओम के लिए एक बार सा, नेक्स्ट शब्द आएगा जय, जय के लिए फिर से एक बार सा, उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा जगदीश, जगदीश के लिए तीन बार सा, एक बार रे और एक बार नी, ठीक है। और लास्ट में शब्द आएगा हरे, हरे के लिए एक बार सा और एक बार रे, ठीक है। इसके बाद आती है दोस्तों नेक्स्ट लाइन, जिसके बोल हैं स्वामी जय जगदीश हरे। तो इसको भी पहले हम बजाते हैं, फिर हम इसे सीखते हैं। देखिए, बहुत ही जी है। सबसे पहला शब्द है स्वामी, स्वामी के लिए रे और गा, उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा जय, जय के लिए एक बार माँ, उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा जगदीश, जगदीश के लिए दो बार पा, एक बार धा, एक बार पा, फिर एक बार माँ, देखिए, ठीक है। और लास्ट में शब्द आएगा हरे, तो हरे के लिए, हरे के लिए गा, मा, रे। इसके बाद आती है दोस्तों नेक्स्ट लाइन, जिसके बोल है भक्त जनों के संकट। तो इस लाइन को पहले हम बजाते हैं, फिर हम इसे सीखेंगे। देखिए, बहुत ही जी है। सबसे पहला शब्द है भक्त, भक्त के लिए रे गा रे, उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा जनो, जनों के लिए गा और मा, उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा खे, खे के लिए मा गा, लास्ट में शब्द आएगा संकट, संकट के लिए एक बार रे, एक बार गा और फिर दो बार सा, ठीक है। इसके बाद आएगी दोस्तों नेक्स्ट लाइन, जिसके बोल हैं क्षण में दूर करे। तो इस लाइन को पहले हम बजाएंगे, फिर इसको भी सीखेंगे। देखिए, बहुत ही जी है। सबसे पहला शब्द है क्षण में, क्षण में के लिए नी सा रे, उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा धूर, धूर के लिए गा रे सा, लास्ट में शब्द आएगा खरे, खरे के लिए नी सा धा,
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन आएगी ओम जय जगदीश हरे, लेकिन ये लाइन हमारी स्टार्टिंग में भी आई थी और यही लाइन फिर से आई है, लेकिन अब की बार नोट एकदम चेंज होके आए हैं। तो देखिए पहले बजाते हैं फिर सीखते हैं, देखिए। सबसे पहला शब्द है ओम, ओम के लिए एक बार रे, उसका नेक्स्ट शब्द आएगा जय, जय के लिए एक बार रे, उसका नेक्स्ट शब्द आएगा जगदीश, जगदीश के लिए दो बार रे, फिर एक बार गा, फिर एक बार रे, फिर सा, देखिए। और लास्ट में शब्द आएगा हरे, हरे के लिए एक बार नी और एक बार सा। जैसे ही हमारी ये लाइन कंप्लीट होगी ये, तो यहाँ हमारा जो स्थाई है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों हमने जो अभी तक जो स्थाई सीखा है उस पूरे स्थाई को हम कंप्लीट एक बार बजाकर देख लेते हैं, देखिए। दोस्तों हमने अपना स्थाई कंप्लीट कर लिया है, अब हम सीखते हैं हमारी सारथी का अंतरा। अंतरा सीखें उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत हौसला मिलता है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अंतरे में पहली लाइन आती है जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। तो इस पूरी लाइन को हम बजाते हैं फिर हम इसे सीखेंगे, देखिए। बहुत ही जी है। सबसे पहला शब्द है जो, जो के लिए रे और सा, उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा ध्यावे, तो ध्यावे के लिए, ध्यावे के लिए सा नी रे सा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा फल, तो फल के लिए, फल के लिए सा नी, उसका नेक्स्ट शब्द आएगा पावे, पावे के लिए रे और दो बार सा, ठीक है। उसका नेक्स्ट शब्द आएगा दुख, दुख के लिए दो बार हमें बजाना है माँ। उसका नेक्स्ट शब्द आएगा भिन से, भिन से के लिए दो बार माँ और एक बार गा। और लास्ट में शब्द आएगा मन का, मन का के लिए रे सा रे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे की लाइन आती है स्वामी दुख विन से मन का। तो इस लाइन को पहले बजाते हैं फिर हम इसे सीखेंगे, देखिए। सबसे पहला शब्द है स्वामी, स्वामी के लिए दो बार पापा, उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा दुख, दुख के लिए पा और दा, उसका नेक्स्ट शब्द आएगा भिनसे, भिनसे के लिए पा मा गा, लास्ट में शब्द आएगा मन का, मन का के लिए सा रे सा। इसके बाद आती है दोस्तों हमारे अंतरे की नेक्स्ट लाइन जिसके बोल है सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। तो इस लाइन को पहले हम बजाते हैं फिर हम इसे सीखेंगे, देखिए। बहुत ही जी है। सबसे पहला शब्द है सुख, सुख के लिए रे और गा, उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा संपत्ति, संपत्ति के लिए रे गा मामा, यानी एक बार रे एक बार गा और दो बार माँ। उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा घर, घर के लिए एक बार माँ और एक बार गा, उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा
आवे आवे के लिए, आवे के लिए रे गा सा, ठीक है। उसका नेक्स्ट शब्द आएगा कष्ट, कष्ट के लिए नी सा रे। उसका नेक्स्ट शब्द आएगा मिटे, मिटे के लिए रे गा रे। और लास्ट में शब्द आएगा थनका, थनका के लिए सा नी सा धा। दोस्तों जैसे ही हमारी ये लाइन कंप्लीट होगी, ये लाइन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट लाइन आएगी ओम जय जगदीश हरे। ये लाइन दोस्तों जो स्थाई में जो सबसे लास्ट में हमने जो लाइन सीखी थी बिल्कुल वैसी की वैसी लाइन है, और वही की वही यहाँ पर फेले हो जाएगी जो हमने हजाई थी। देखिए कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये लाइन में इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि ये हमने वहाँ सीखी हुई है, वहाँ हमने जैसे बजाई है वैसी की वैसी हम यहाँ पर भी बजा देंगे। तो दोस्तों यहाँ आपकी आरती कंप्लीट होती है। दोस्तों जैसे हमने ये अंतरा सीखा है, इसी अंतरे के आधार पर हम इस आरती के बाकी सभी अंतरे बजा पाएंगे। तो फिर वही स्थाई अंतरा वही रिपीट होते रहेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है और भी ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको कोई सॉन्ग आरती भजन सीखना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं, मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।